यूक्रेन पर हमले को लेकर कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार को जारी रखा। अब भारत रूस के साथ अपने व्यापार को और विस्तार देने की योजना बना रहा है। भारत ने रूस के सामने रुपए में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल भारत ने रूस से तेल और हथियारों की खरीद की बात रखी है। इस मामले से वाकिफ एक शख्स ने ब्लूमबर्ग को ये बात कही है। शख्स के मुताबिक भारत की रूस के सरकारी नियंत्रण वाले VTB बैंक PJSC और सबर बैंक PJSC में जमा लगभग $2 अरब के इस्तेमाल की योजना है। शख्स ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर इस बात की जानकारी दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने बताया कि इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। रूस के वरिष्ठ अधिकारी इस हफ्ते भारत आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस दौरान योजना को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इससे पहले दोनों देशों ने रुपए रूबल के तहत व्यापार करना शुरू किया था, जो रूस की मुद्रा रूबल में अत्यधिक अस्थिरता की वजह से कारगर साबित नहीं हो पाया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बैंक खातों में जमा धनराशि साल के अंत तक बढ़कर $5 अरब हो सकती है। ये बशर्ते इस पर निर्भर करता है कि भारत कितना उत्पाद खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे रूस का तेल सस्ता हो गया। इसी सस्ते तेल का लाभ उठाने के लिए मोदी सरकार ने तेल के आयात पर लगी पाबंदी को हटा दिया। इस दिशा में मोदी सरकार एक मैकेनिज्म को अंतिम रूप देना चाहती है। आपको बता दें कि भारत एकमात्र एशियाई देश नहीं है जो रूस का तेल खरीद रहा है। चीन रूस का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।